हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा और मेरे स्माइल से भी। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ टैटू निकालने। आज मेरा थर्ड टैटू निकालने वाली हूँ और ऑलरेडी मेरे पास दो टैटू है, मतलब मैंने दो टैटू निकाले हुए हैं और आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर नहीं किए। बट वो टैटू मैं आपको बाद में दिखा दूंगी कि कौन से है और कहाँ पर है। तो आप लोगों ने एक टैटू तो देखा ही होगा, मेरे रिस्ट पर है ये वाला, तो ये तो देखा ही होगा आपने बहुत बार, मतलब कुकिंग वगैरह करते टाइम भी आपने देखा होगा या देखा ही होगा। बट दूसरा टैटू आपने नहीं देखा है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। और वो कब निकाले हैं, क्या किया है, मतलब कैसे निकालना हुआ वो टैटू, तो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। बट अभी निकालने जाने वाले हैं हम लोग टैटू, तो चलिए फिर। थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, इनको जाना है ड्यूटी, इसी वजह से मैं ये बोल रहा कि जल्दी से चलो और टैटू निकाल के आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो ड्यूटी जाने वाले हैं। मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको बता भी देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से जाके आ जाते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कहाँ पर टैटू निकालने वाली हूँ आज। और काफ़ी दिनों से मन था मेरा वहाँ पर टैटू निकालने का, बट हो ही नहीं रहा था एक्चुअली, और इसी वजह से आज फाइनल डिसाइड किया कि आज चले जाएंगे। और दिवाली से पहले निकालना था, बट दिवाली के कामों में ना थोड़ा सा बिजी थी मैं, इसी वजह से नहीं हो पाया। फिर अभी जाके आ जाते हैं और निकाल के आ जाते हैं। दिवाली में ऐसा कुछ खास नहीं था कि टू निकालना ही है उस टाइम, तो इसी वजह से मैंने इतना कुछ जल्दबाजी की नहीं टैटू निकालने के लिए। और आज भी मुहूर्त निकालना पड़ता है मुझे कोई भी चीज़ का, हाँ, तो इसी वजह से। और आज भी इतना कुछ ये नहीं था कि आज ही निकालना है, बट चलिए फिर आज जाके आ जाते हैं, टाइम है तो इसी वजह से। गाइज, हम लोग अभी डीमार्ट जा रहे हैं क्योंकि उनको कॉल किया था तो वो बोल रहे थे कि टैटू ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ सामान जो ख़त्म हो गया है तो वो डीमार्ट से लेके आते हैं, तो इसी वजह से हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं। और कल ही कल आप लोगों को पता ही है कि हम लोग मूवी देखने गए थे, तो कल ही हमारा प्लान था कि जो ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है तो वो लेके आएंगे। बट मूवी देखने में इतना टाइम हो गया। और हाँ, आपको बता दूँ कि डीमार्ट के जो मॉल है उसके ऊपर ही मूवी हॉल है, तो इसी वजह से वहाँ पर ही डीमार्ट है नीचे और मूवी हॉल ऊपर है, तो वहाँ से ही लेके आ सकते हैं। और आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने, मैंने दिखाया था आपको, आप लोगों को लगा होगा कि डीमार्ट में गए हो लेकिन ऊपर मूवी हॉल है, तो इसी वजह से। चलिए अभी चलते हैं पहले डीमार्ट, डीमार्ट से कुछ सामान ले लेंगे और उसके बाद जाएंगे टैटू निकालने। कौन सा पैजे till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm. सामान हो गया, एवढं महाग नाही झालं का? 1000 रुपये महाग नाही झालं म्हणजे? साबणास तू किती घेतली? सो गाइज, हम लोग आ गए थे टैटू पार्लर में। और पहले क्या होता है कि पहले उनको डिज़ाइन देना पड़ता है या तो उनके पास की डिज़ाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो मैंने अपने पास की डिज़ाइन दी थी। पहले भी मैंने दो टैटू निकाले हैं तो वो भी मैंने अपने पास की डिज़ाइन दी थी, मतलब मैंने सर्च किया था, काफ़ी दिनों से मैंने सर्च किया कर रही थी मैं, तो वो वाली डिज़ाइन दी थी, वो उन्होंने कॉपी की थी, वो प्रिंट निकाला था, उसके बाद उन्होंने कार्बन पे कॉपी किया और उसके बाद उन्होंने वो मेरे हाथों पे लगाया, मतलब यहाँ पर मैं निकालने वाली हूँ टैटू। और पहले वो जेली लगाते हैं कुछ तो भी, मतलब पेट्रोलियम जेली या कुछ तो भी जेल लगाते हैं, तो वो मैंने उनसे पूछा नहीं। उसके बाद ना वो जो टैटू उन्होंने कॉपी किया था वो, मतलब जहाँ पर मुझे लगाना है वहाँ पर वो पेस्ट करेंगे और उसके बाद उस पर वो टैटू निकालेंगे। तो मैं उनको मतलब वहाँ पर बताया था कि यहाँ यहाँ पर मुझे चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पर लगाया था और इस तरह से वो लगाते हैं जो भी आपको टैटू चाहिए हो। तो आप उनके पास के भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो और अपने पास की हो तो अपने पास की भी दे सकते हो। तो इस तरह से वो चिपकाएंगे और इस तरह से उस पर जो मतलब उन्होंने कॉपी किया है वो आ जाएगा।
तो उसके बाद इसी पे ही वो निडल से अपना टैटू बनाएंगे। तो बस इसी तरह से वो टिश्यू से वो जो जेली है वो थोड़ा सा सोक कर लेंगे और पोंछ लेते हैं, और उसके बाद टैटू निकालना शुरू करते हैं। तो और हाँ, आप गाइज, आपको बता दूँ कि ये जो टैटू पार्लर है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने पहले भी इनसे 2 टैटू बनवाए हैं, तो इसी वजह से उनकी फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इसी वजह से मैंने तीसरा भी टैटू इनके पास ही बनाने के लिए आई, और थोड़े पहचान के भी हो गए हैं, तो मतलब वहाँ पर मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो इसीलिए। और वहाँ पर उसके बाद वो निडल लगा रहे हैं, मतलब निडल चेंज करते हैं एक्चुअली, क्योंकि हर किसी को एक ही निडल नहीं यूज़ करते हैं टैटू पार्लर वाले, अलग अलग निडल यूज़ करते हैं, क्योंकि निडल से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इसी वजह से। और फिर वो ग्लव्स पहन लेते हैं, मतलब सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा हो या बड़ा पार्लर हो, बट सेफ्टी का ध्यान वो रखती है, निडल एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह से ग्लव्स पहन लेंगे और निडल चेंज करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उनके पास ऑलरेडी टैटू चल रहा था, तो इसी वजह से हम लोगों को लेट जाना पड़ा वहाँ पे। और फिर इस तरह से इंक होती है, तो इंक निकालते हैं। अगर कलर का बनाना हो तो आपको वहाँ पर ट्रे है, तो कलर कलर के जितने कलर के बनाने हो तो वो उसमें ट्रे में कलर निकाल लेते हैं। मुझे कलर का नहीं बनाना था, तो इसी वजह से वो एक ही इंक उन्होंने ब्लैक इंक ली और वो निकालने लगे टैटू इस तरह से। और वो जेली लगाते हैं ऐसे ही दोबारा भी जहाँ पर टैटू निकालना है, और बस उसमें निकालना स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मतलब यहाँ पर ना ये जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब जो वहाँ पर बहुत ही पतली स्किन होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वहाँ की जगह, तो इसी वजह से बहुत दर्द हुआ इस बार के टैटू में मुझे। मतलब रिस्ट वाले टैटू में जितना दर्द नहीं हुआ, तो उतना दर्द मुझे इस वाले टैटू में हुआ है। तो मैं तो ऐसे एकदम से वो कर रही थी, मतलब एक्सप्रेशन भी दिखा नहीं सकती थी वहाँ पर, बट अंदर से इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट फिर भी टैटू जब निकालना, मतलब निकालने का मन कर लेते हैं ना हम लोग, मन बना लेते हैं ना, तो वो दर्द भी सह कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से, और बस इस तरह से वो निकालते हैं, उस पर ही मतलब पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं उसको ही जो डिज़ाइन बना होता है। और फिनिशिंग भी आनी चाहिए एक्चुअली, जिसके हाथों में फिनिशिंग होती है वही अच्छे से टैटू निकाल पाता है। उसी डिज़ाइन पे इस तरह से वो निकालते हैं, और बस जो इंक एक्स्ट्रा होती है उसे वो टिश्यू से पोंछ लेते हैं, मतलब इस तरह से आप देख लोगे अभी, और टिश्यू से वो बस ऐसे ही पोंछ लेते हैं। तो इसी तरह से वही डिज़ाइन पे वो कॉपी करते हैं। और बस ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रही थी एक्चुअली, मुझे इसी मतलब इसी जगह पर निकालना था, बट मैं डिज़ाइन सर्च कर रही थी कि मैं कौन सी डिज़ाइन निकालूं। बट मुझे बटरफ्लाई निकालने का बहुत दिनों से मन था, बटरफ्लाई निकालूं बटरफ्लाई, बट बटरफ्लाई की ही बहुत सारी डिज़ाइन मुझे मतलब ऑनलाइन मिल गई थी, तो मैं सोच रही थी कि कौन सी डिज़ाइन निकालूं। फाइनली मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, और बहुत छोटी भी है, मतलब वहाँ पर बैठने लायक थी, तो इसी वजह से मैंने ये वाली डिज़ाइन सिलेक्ट की। तो वो क्या करते हैं, अपने फ़ोन से फिर ले लेते हैं डिज़ाइन अपने पास से, और उसकी कॉपी निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, और फिर वो उस तरह से कॉपी करते हैं। तो इस तरह से मैं, और आप एक्सप्रेशन देख सकते हो वीडियो के टाइम पे, मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज कर रही थी, बट अंदर से ना बहुत पेन हो रहा था, मतलब आपको क्या बताओ। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हम लोग इस तरह से, जहाँ पर मैं निकाल रही हूँ उसके बाद मुझे बर्तन क्लीन करने के लिए, मतलब पानी नहीं लगने देना चाहिए उसको, बहुत ज़्यादा मतलब केयर करनी पड़ती है उसकी। फिर उसको ऑयल लगाना पड़ता है, पेट्रोलियम जेली वो लगा के देते हैं, उसके बाद रैप करके देते हैं। तो मैंने इस बार रैप नहीं किया था, पिछली बार मैंने रैप किया था, क्योंकि उसको पानी नहीं लगना चाहिए, और थोड़ी देर में ही रैपिंग निकालनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा देर रैपिंग नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको भी पसीना आता है अंदर से, क्योंकि हवा नहीं लगती है, तो फिर और ज़्यादा टैटू ख़राब हो जाता है, तो इसी वजह से ज़्यादा देर तो रैपिंग रखनी नहीं पड़ती है। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम टैटू निकाला था, तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम बहुत ज़्यादा बताया था मुझे, मतलब केयर कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या लगाना है, ऑयल लगाना पड़ता है। उसके बाद मेरा टैटू पूरा मतलब फिनिश हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं सेवलॉन सोप होता है, तो उससे इन्होंने वॉश किया था, और इस तरह से मेरा मतलब जो फाइनल लुक है टैटू का वो दिख रहा था। और उन्होंने एक दो बार, उन्होंने मतलब 2-3 बार उन्होंने सेवलॉन सोप लगा के अच्छे से वॉश किया, ताकि जर्म्स वगैरह ना रहे वहाँ पर, और जो इंक वगैरह है तो वो भी आजू बाजू में ना रहे। तो इस तरह से मेरा जो
मतलब टैटू है वो फिनिश हो गया था, और जो मेरा मतलब पहले जो निकाला था टैटू मैंने, तो वो भी उन्होंने मतलब थोड़ा सा ये किया, फिनिशिंग करवा दी उसकी, क्योंकि थोड़ा सा लाइट हो गया था वो वाला टैटू इसी वजह से, और दोबारा मतलब जाना पड़ता है टैटू की फिनिशिंग करवाने। एक्चुअली तो ये वाले टैटू के टाइम मैं गई नहीं थी दोबारा उनके पास, तो इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं अभी उसकी भी फिनिशिंग करवा रहे हैं। मतलब मैंने उनको बोला कि ये वाला टैटू थोड़ा सा फेड हो गया है, तो वो उनकी उसकी भी फिनिशिंग करवा दे रहा है मुझे। तो ऐसे ही मैंने दोनों टैटू के दर्द उस दिन झेले थे, तो आप देख सकते हो एक्सप्रेशन। हाँ, आ गई हूँ मैं घर पे और आपको टैटू दिखाती हूँ कि कैसा। अरे बाप रे, इतना दर्द हुआ। ये देखो, अरे क्या खा रहे थे आप? चूड़ा। ओह, अरे आपको दिखाई नहीं देगा। बटरफ्लाई, एक मिनट माही, बटरफ्लाई, हाँ बग, बटरफ्लाई निकाला है, हाफ बटरफ्लाई। तो तुला का? अच्छा ठीक है। तर तर तो ना इतना दर्द हुआ, यहाँ की जगह जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ यहाँ पे। मेरे जो पहले के टैटू है और इस बार वाले टैटू को भी फिनिशिंग किया है इस बार, मतलब थोड़ा सा फेड हो गया था ये, तो इसको भी फिनिशिंग करा के लाई हूँ, और ये भी अभी अच्छा दिखेगा। तो थोड़ा सा फिनिशिंग की नहीं थी मैंने, थोड़ा अभी बाहर घूमता देना, आवाज़ कर दो। इस वाले टैटू की फिनिशिंग की नहीं थी जब से निकाला था ना, तो फिनिशिंग के लिए गई नहीं, टाइम ही नहीं मिला था, तो इसी वजह से अभी उसकी फिनिशिंग करा के लाई हूँ और ये भी बनवा के लाई हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसे दिखने में, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है अच्छे से, बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एक्चुअली ये मेरे दोनों टैटू। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कहाँ कहाँ टैटू निकाले हैं, तो एक टैटू मेरा पैरों पर है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला टैटू भी। तो ये वाला टैटू कुछ इस तरह से है, यहाँ पे है एंकल के ऊपर, और एक ये वाला है रिस्ट पे, इस वाले। तो यहाँ पर इस पे लिखा है स्टे स्ट्रांग, इस पे कुछ मतलब क्या बोलते हैं मैसेज दिया हुआ है स्टे स्ट्रांग करके, इस पे लिखा है, और बर्ड्स है ऐसे, और इस तरह से फेदर है एक। तो ये वाला टैटू इस तरह से है, और ये वाला बटरफ्लाई है, हाफ बटरफ्लाई, और वो वाला कुछ स्टार्स है उसमें, और कुछ ऐसे डिज़ाइन है, तो वैसा है वो वाला टैटू। तो इस तरह से है मेरे तीनों टैटू, और बस यही। और ये जो टैटू है, जो दो टैटू है पहले के, तो वो मैंने बर्थडे पे निकाले थे अपने, पिछले वाले मीन्स अभी जो गया बर्थडे, वो तो इन्होंने गिफ्ट किए थे मुझे, बर्थडे का गिफ्ट है इनका वो दोनों टैटू, और बर्थडे के पहले दिन निकाले थे मैंने रात को, और दूसरे दिन मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने वो गिफ्ट किए थे मुझे। और ये वाला जो टैटू है ऐसे ही निकाला है मैंने, बहुत दिनों से सोच रही थी बट हो ही नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली हो गया है। और आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे, और कौन सा टैटू आपको ज़्यादा पसंद आया मेरा, तो ये भी ज़रूर बताना मुझे। और हाँ, हाफ्सा फातिमा ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उनका नाम मैं अपने ब्लॉग में लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट मेरा ध्यान ही नहीं रह रहा था कि मैं मतलब उनका नाम लूँ, और मैं भूल जा रही थी, जब भी वो रिक्वेस्ट कर रही थी उनको हाँ बोल रही थी और मैं भूल जा रही थी, तो उसके लिए सो सॉरी डियर। और बट आज मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था, तो उस पर उन्होंने बोला मुझे, तो आज मुझे याद रहा। तो चलिए फिर मैं आपका नाम ले लेती हूँ। तो डियर, आप कैसी हो? हाफ्सा फातिमा, अभी आप खुश हो गई होगी, आपका नाम ले लिया मैंने, और उसके लिए सो सॉरी कि थोड़ा लेट हो गया है, बट ले लिया है मैंने अभी आपका नाम। सो गाइस, भाई दूज हमारी रह गई थी, मतलब श्रीकांत कहीं बाहर गया था, तो वो अभी आया था, तो इसी वजह से बाहर का हो गया था, तो अभी आया था, तो इसी वजह से हमने सोचा, मैंने सोचा कि अभी भाई दूज मना लेते हैं उसके साथ, कि भाई दूज मेरी रह गई थी, तो अभी वही कर रही हूँ, और चेंज कर रही थी, तो वो बोल रहा था कि नहीं ऐसे ही करो, क्योंकि मैंने वेस्टर्न पहना था, और ऐसे मतलब जो ट्रेडिशनल वाले फंक्शन होते हैं, मतलब यही होता है, तो वो इंडियन पे ही अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो कुर्ती वगैरह पहन लेती हूँ अच्छे से, बट उसने बोला कि जाने दो घर पे ही है, तो इसी वजह से। और यहाँ पर मजाक कर रही थी मैं माही के साथ, और ये हमारे यहाँ पे आपको बताया ही है कि टॉवल वगैरह देते हैं, तो भाई को इस तरह से, और वो पैर पड़ रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी एक्चुअली, मतलब उसकी पीठ पे थपथपा रही थी, उसको बोल रही थी कि जल्दी से शादी करो और मुझे जल्दी से भाभी चाहिए इस तरह से। और यहाँ पर फोटो सेशन भी हो रहा था,
सो गाइस भाई दूज रह गई थी, तो भाई दूज भी हो गई है, श्रीकांत कहीं बाहर गया था, गाँव गया था, तो इसी वजह से उसके साथ भाई दूज बाकी थी मेरी। और ये देखो हाँ, तो इसी वजह से तो अभी आया है, आज है आया है, तो इसी वजह से आज हमने भाई दूज मनाई है, उसके साथ मैंने भाई दूज मनाई, तो वो रह गई थी, और एक भाई बाकी है तो वो भी आने वाला है, तो उसके साथ कल होगी, और मासी का बेटा आने वाला है तो उसके साथ कल होगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।